एक्ट्रेस रश्मि देसाई इन दिनों नागिन 6 के कारण खूब लाइमलाइट में हैं। रश्मि को शलाका के बाद लाल नागिन में देख लोग जितने हैरान हुए उतने खुश भी। एक बार फिर से नागिन बनने के कारण रश्मि खूब सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी रश्मि को मशहूर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार ऑफर हो चुका है। जी हाँ, साल 2015 से आ रहे भाभी जी घर पर है शो ने इतने सालों में इस टीवी सीरियल ने ना सिर्फ ऑडियंस को गुदगुदाया बल्कि कई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी इस सीरियल का हिस्सा बन चुके हैं। इस सीरियल से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीवी सीरियल में अंगूरी भाभी के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद थी रश्मि देसाई। जी हाँ, कहते हैं कि रश्मि देसाई को अंगूरी भाभी के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि रश्मि को इस बात से परेशानी थी कि रोहित शिव गौड़ और उनके बीच पर्दे पर एक बड़ा एज गैप दिखाई देगा। कहते हैं कि इस वजह से रश्मि ने अंगूरी भाभी का रोल ठुकरा दिया था और इसके बाद इस सीरियल के लीड एक्टर आसिफ शेख के सुझाव पर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को सीरियल में अंगूरी भाभी का रोल ऑफर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा अंगूरी भाभी के किरदार से काफी इम्प्रेस हुई और अंगूरी भाभी के किरदार में शिल्पा को खूब पसंद भी किया गया। उनका डायलॉग सही पकड़े हैं, लोगों की जुबान पर छा चुका था। खबरों की माने तो अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को भुनाने के चक्कर में शिल्पा ने मेकर्स से ज्यादा फीस की डिमांड कर डाली जिसे मेकर्स ने खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शिल्पा और मेकर्स के बीच जमकर झगड़ा हुआ और शिल्पा ने ये शो छोड़ दिया। शिल्पा के इस सीरियल छोड़ने के बाद 2016 में मेकर्स ने शुभांगी अत्रे को अंगूरी भाभी के किरदार के लिए अप्रोच किया और आज शुभांगी इस किरदार को बखूबी निभा रही हैं। आपको बताते चलें कि भाभी जी घर पर है ने हाल ही में अपने 1700 एपिसोड्स भी पूरे कर लिए हैं। लेकिन सोचिए, अगर रश्मि देसाई अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आती तो रश्मि को इस मशहूर किरदार में देखना फैंस के लिए कितना इंटरेस्टिंग होता।